हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हेडिंग लिखा हुआ है रोजेनमुंड अभिक्रिया, यानी रोजेनमुंड रिएक्शन, या कभी कभी इसको रोजेनमुंड अवकरण अभिक्रिया दे सकता है, रोजेनमुंड अवकरण अभिक्रिया यानी रोजेनमुंड रिडक्शन। और आप जानते होंगे कि रिडक्शन का मतलब क्या हुआ। रोजेनमुंड तो जान रहे हैं, रोजेनमुंड कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, कोई साहब का नाम होगा, और ये मोस्ट बीबीआई है। देखो बीबीआई लिख दिया है और ये अक्सर आपको 5 नंबर दिलाता, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 नंबर दिलाएगा, रिएक्शन लिख देगा, कहेगा कौन अभिक्रिया है। और अगर आपको पूछेगा रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, समीकरण के साथ लिखे, तो कंप्लीट आप एकदम शुरू से अंत तक देखना, आप 5 नंबर आपका आने वाला है। 5 नंबर चाहते हो तो 5 मिनट एकदम गौर से देखिएगा, समझिएगा कि हम आपको क्या बोल रहे हैं। ओ क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या रोजेनमुंड जो रिएक्शन है, रोजेनमुंड अभिक्रिया है, इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये रोजेनमुंड अभिक्रिया होता क्या है। रोजेनमुंड अभिक्रिया में अवकरण होता है, पहले समझ लो, अवकरण होता है। अवकरण उसको कहते हैं जहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहां पर आएगा उत्प्रेरक, यानी अवकारक आएगा, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ता है। अब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, तो देखो एक होता है एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला, यानी एसिड क्लोराइड को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो कहिएगा COCl, इसी को संरचना में ऐसे लिख देंगे C डबल बॉन्ड O Cl। अब यहां से हाइड्रोजन हटा के, यहां पर हाइड्रोजन को क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं कि रोजेनमुंड अभिक्रिया। समझ रहे हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। हेडिंग तो आप लोग बना ही लीजिएगा, रोजेनमुंड अभिक्रिया। और ये जो हमारा रोजेनमुंड अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है पहले समझते हैं, फिर ही इसको लिखेंगे। ये हमारा देखो बेंजोइल क्लोराइड है, C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और जैसे बेंजोइल क्लोराइड में हम क्या बोले, हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो हाइड्रोजन जोड़ने के लिए यहां पर कैटेलिस्ट आएगा, पलेडिनम पर अवलंबित बेरियम सल्फेट। अगर कहीं एरो के ऊपर में या अगल बगल कहीं PDBaSO4 एक साथ दिया रहे, PDBaSO4, ये प्लेडिनम है, ये बेरियम सल्फेट है, प्लेडिनम पर अवलंबित बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहां से जुड़ता है। एक तो आपका एक हाइड्रोजन और एक सीएल, HCl बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आके जुड़ जाएगा क्लोरीन के जगह पे, तो आपका ये प्रोडक्ट बनाएगा बेंजल्डिहाइड, यहां पर जुड़ जाएगा CHO, इसका नाम है बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड बन गया, यानी एल्डिहाइड बन गया, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बन गया इस कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में। तो इसी को बताने वाले वैज्ञानिक जो थे रोजेनमुंड साहब थे, इसीलिए इसके नाम पर रोजेनमुंड अभिक्रिया नाम पड़ गया। कि रोजेनमुंड अभिक्रिया कोई पूछेगा क्या होता है, तो कहेगा जब बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया है ना, या अवकरण हाइड्रोजन की अवकरण प्लेटिनम पर अवलंबित बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराई जाती है, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, समझ रहे? यानी इसी को अगर हम लोग लिखेंगे कि क्या होता है, तो इसको मिटा देते हैं, लिखिएगा आप लोग मेरे साथ साथ, सब लोग हेडिंग बना लो रोजेनमुंड अभिक्रिया की, पैलेडिनम ऐसे लिखते हैं, पीडी पर अवलंबित बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड को, बेंजोइल क्लोराइड का अवकरण कराने पर, अवकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड। अवकरण कराने पर क्या होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है इस अभिक्रिया को,
इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका जो है आप लोग क्या करना, समीकरण लिख देना ऐसे, ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये बेंजोइल क्लोराइड है। अब नींद आ रहा है, हम समझ रहे हैं, ये रिएक्शन देख लो ना, उसके बाद अधिक कर लेंगे। अब हाइड्रोजन यहां कर दिए, यहां पर हो गया पी डी बी एस ओ फोर, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट होगा, तो यहां पर क्या बोले, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन के साथ चल जाएगा, HCl बना लेगा, और यहां पर आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, इसी का नाम हो गया सर जी बेंजल्डिहाइड, और इसी अभिक्रिया को बताने वाले वैज्ञानिक था रोजेनमुंड, इसलिए नाम पड़ गया क्या, रोजेनमुंड अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। यानी आपको यहां जैसे एरो के ऊपर में PDBSO4 दिखे, कह देना तो रोजेनमुंड है, कौन है, अरे रोजेनमुंड की हाल समाचार, समझ रहे हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लगातार इसी तरह से आप लोग जो है रोजेनमुंड नेमिंग रिएक्शन बता रहे हैं, IUPAC नेम बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, कंप्लीट मेमर आपको जो है 12th वाले 11th वाले के लिए हम कंप्लीट आपको वीडियो लेकर आते हैं। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि सब लोग जो है अच्छे से आप वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है। हाँ, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर देखिए, अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो एप्लीकेशन पर देखिए, अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप लोग एप्लीकेशन है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, और प्ले स्टोर पर जाके उसको क्या करिए, आप इंस्टॉल कर लीजिए, अपना नंबर डाल के, OTP सब डाल के, नाम सब डाल के उसको कंप्लीट कर लीजिए। वहां पर आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग अच्छे से दे सकते हैं। कंप्लीट अच्छा लगा कि नहीं लगा, लगा ना। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन है, तो रोजेन इसी तरह हम आपको लगातार, क्योंकि PDBSO4 को जैसे देखा तो इसको कहते तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना, ये रिएक्शन है रोजेनमुंड का सनम, ये रोजेनमुंड का रिएक्शन है। और इसको देखने के बाद देखो कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, यानी PDBSO4 जैसे देखा ओ रोजेनमुंड का हाल है, रोजेनमुंड रिएक्शन लगेगा, और अक्सर ऐसा कोई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा ही, इसीलिए ये BBBBI है, याद रखिएगा 2025 के लिए रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। मैं प्रदीप सर आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि आप लोग इतना ज्यादा कीमती समय देकर वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और आप तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि जो इसका लिंक स्टेटस में लगा दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मन गदगद हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।